एक बार फिर से आपको भरतपुर लेकर चलते हैं। भरतपुर क्लस्टर की बैठक चल रही है और उसमें प्रदेश अध्यक्ष एसीपी जोशी संबोधित करें, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए सर। भारत माता की वंदे वंदे। आज की इस बैठक में हमारे बीच में उपस्थित राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री और इस धरती के लाल जिन्होंने 3 माह में राजस्थान में वो काम करके दिखाए जो सरकारें 30 साल में नहीं कर पाई, ऐसे माने भजनलाल शर्मा जी, यहां उपस्थित पार्टी के वरिष्ठ नेता और इस क्लस्टर के प्रभारी माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, राजस्थान सरकार में मंत्री जो जल संसाधन मंत्रालय में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, ऐसे माननीय कन्हैयालाल चौधरी जी, राजस्थान सरकार में मंत्री माननीय जवाहर सिंह जी, यहां उपस्थित हमारे प्रदेश के महामंत्री जितेंद्र घोटवाल जी, माननीय हेमराज जी, उपेंद्र सैनी जी, शैली जी, डीडी कुमावत जी, सोमकांत जी और इस क्षेत्र से पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री राम स्वरूप जी, बहन रंजिता जी, हमारे सुखबीर जौनप्रिया जी, सभी माननीय पार्टी के शुरू करो या सरकार से एक साथ नाम ले लो, सभी पार्टी के सम्मानीय विधायकगण, पार्टी के अध्यक्षगण, लोकसभा के प्रभारी सह प्रभारी और यहाँ तीनों लोकसभाओं को रिकॉर्ड मतों से जिताने वाले सभी मेरे देवतुल्य कार्यकर्ता बंधु, सबसे पहले तो मैं आप सब से क्षमा चाहता हूं। मुख्यमंत्री जी और हम पिछले 3 दिनों से, अभी 3 लोकसभा और बाकी है जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण और दौसा की, तो इन 3 दिनों में 25 लोकसभा में प्रमुख कार्यकर्ता दायित्ववान कार्यकर्ताओं के साथ कोर टीम के साथ बैठक करने का इन 3 दिनों में काम हुआ है, तो यहाँ आपके बीच थोड़ा देरी से पहुंचे इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहते हुए इतना ही कहूंगा कि भरतपुर की धरती, महाराजा सूरजमल की धरती से आप और हम सब लोग, और मैं इस धरती को भी प्रणाम करता हूं, मेवाड़ की वीर श्रेणी महाराणा प्रताप की धरती की ओर से महाराजा सूरजमल की धरती को वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आप और हम सब लोग इस लक्ष्य के साथ यहां बैठे, इस देह के साथ बैठे हैं। मैं हमेशा कई बार कहता हूं कि सत्ता की जननी जननी अगर कोई होता है तो संगठन होता है, और संगठन की जननी अगर कोई होता है तो कार्यकर्ता होता है। और यहां बैठे तमाम लोग, जनसंघ से लेकर, जब मुझे ध्यान है कि यहां जब मैं पहले आदरणीय अमित शाह जी आए थे तब भी इस बात का जिक्र किया था कि ये धरती भी सौभाग्यशाली है, और जहां से मैं आता हूं वहां की धरती ने भी यहां विधानसभा में तो चित्तौड़ में लोकसभा में 1952 में भी जनसंघ का दिया जलाया था, ये वो धरती है। जब पूरे देश भर में गिरी चुनी जगह पे, और उस समय भी लोग कहते थे, कांग्रेस के लोग, इन दियों में तेल नहीं, देश चलाना खेल नहीं, जब नरेंद्र मोदी जी के हाथों पूर्ण बहुमत की सरकार आई तो अब दूरी दुनिया सलाम कर रही है कि भारत ने इन 10 वर्षों में पूरी दुनिया में मां भारती का वैभव बढ़ाने का काम किया है। इसलिए आप और हम सब लोग इस बात के लिए निश्चित रूप से इस लक्ष्य